मकर संक्रांति इन एडवांस। तो कल मकर संक्रांति है, तो आज हमें ना बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। देखो सबसे पहले मुझे नीचे जाना है, और नीचे वो जो रंग वाला पानी होता है ना, वो शुभ होता है कोई भी त्यौहार पे हम करते हैं, आप सबको तो पता ही है। तो वो नीचे जाके पानी डालना है, फिर उसके बाद मैं ना मुझे अपने हाथों पर मेहंदी भी निकालनी है, मम्मी के हाथ पर भी मेहंदी निकालेंगे। और उसके बाद में जो मेन चीज़ है संक्रांति की, पतंग लेके आने। बेसिकली मिक्स सब्जी और ज्वारी की भाकरी यही खाते हैं हम आज। किस किस के घर में ऐसे फॉलो करते हैं बताना कमेंट में। लेट्स गो, हम लोग नीचे चलते हैं। दोनों साइड से हमें पानी डालना है, रंगोली निकालनी है। यार आप सबको तो पता ही है कि मुझे रंगोली निकालना बिल्कुल भी आता नहीं है, मैं बस है ना फूल पत्ते ही निकालती हूँ। काका चार रंग वाले पैकेट डालना, रंगाचे पैकेट तो सड़ा नहीं ताकत का। देखो ये रहे वो कलर वाले पैकेट, चार कलर वाले पैकेट, दो इधर से दो उधर से। और मम्मी अब तक नीचे नहीं आई है, मेरे को सबसे पहले नीचे भेज दिया। कोई बात नहीं, मम्मी आने तक मैं झाड़ू ही मार लेती हूँ। चलो लग जाते हैं हम काम पे। सबकी मम्मी है ना ऐसे ही करती होगी। देखो मम्मी ने ना मुझे बोला कि तू जा नीचे, मैं आती हूँ तेरे पीछे पीछे। अभी तक मम्मी का कोई पता नहीं, अगर मुझसे ही काम कराना था तो बोल देती ना, मैं ना थोड़ी ना बोलने वाली थी। देखो आ गई मम्मी, और आने के बाद बोल दिया कि तूने ठीक से काम नहीं किया। मैं आप कर लो इधर का साफ, तब तक मैं उधर की साइड कर लेती हूँ। ये खिड़की भी साफ करनी पड़ेगी पूरा पानी वानी डाल के, क्योंकि बहुत गंदा हो गया है यार सब। पानी खेलना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं पानी खेल नहीं रही हूँ। ठीक है, मैं साफ कर रही हूँ सब। गैया माँ भी आ गई। देखो ना ये दोनों गाय को है ना पानी पीना था, पानी पी रहे हैं ये दोनों। देखा सुबह सुबह मैंने कितना पुण्य का काम किया है, एक प्यासे को पानी पिलाया है। इससे ज्यादा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता। देखो मैंने ना रोटी और मोदक भी लाए गाय को देने के लिए। आ जाओ इधर। वो गैया है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो दो गैया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, गंगा और जमुना। ये जो गाय है ना ये चीकू से मिलने रोज आती है ना मम्मी? हाँ रोज सुबह आती है। चीकू के फ्रेंड से ही है। वो मेरी बात ना डायरेक्ट भगवान से होते रहती ना, कृष्ण भगवान से, इसलिए ना ये गैया है ना उनका मैसेज देने के लिए ना मेरे पास आते, और फिर मैं ना भगवान को बोलता गैया ने क्या बोला वो। कबूतरों का तो राज चल रहा है हमारे घर पर, देख रहे हो ऊपर कबूतर। चलो हो गया, नीचे का काम तो हो गया, अभी बस मैं नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं मम्मी से पूछते हैं क्या करना है हमें। देखो मैंने आपको बोला था ना आज हमारे घर भोगी के दिन भाकरी, तिल वाली भाकरी और बैंगन की सब्जी बनती है। बहुत जगह इसको रोटला बोलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इसको भाकरी बोलते हैं। स्पेशली तिल वाली भाकरी ना इतनी यम्मी लगती है, मैं आप सबको क्या बताऊँ, आप भी एक बार ट्राई करना ओके। तो हम है ना हर त्यौहार बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, और हर त्यौहार को मम्मी मुझे कहती है कि तू मेहंदी निकाला कर, अच्छा लगता है। तो है ना कल तो पतंग उड़ाने में, सब करने में, और तिल गुल के लड्डू खाने में बहुत ही मजा आने वाला है। देखो ना दीपू दीदी ने कितनी मस्त मेहंदी निकाली, और दीदी बोलती है कि ये उनके हिसाब से परफेक्ट मेहंदी नहीं है। तो परफेक्ट मेहंदी किसको कहते हैं फिर? तो मेरी मेहंदी है ना सूख चुकी थी, इसलिए है ना मैंने फटाफट से मेहंदी धो ली। अभी कल है ना जब ये मेहंदी रंग जाएगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। अभी सुनो मेरी बात, अभी है ना पापा पतंग लाने के लिए जाने वाले हैं ना, तो इसीलिए ना मैं भी फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, और जैसे ही पापा तुरंत निकलेंगे ना तो मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी अपनी पसंद की पतंग लाने। ठीक है इधर। पूरा मोबाइल चलाना आता है पापा, आप भी किससे मोबाइल ले रहे हो? पापा पापा सुनो ना, पतंग लेने जा रहे हो ना? जा रहा हूँ। हाँ तो मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। चलना फिर। हाँ रुको मैं भी रेडी होके आई।
चलो मैं तो एकदम फास्ट फास्ट पे रेडी हो गई, और ये टॉप मैंने ना बहुत दिनों के बाद में पहना है, पता नहीं लास्ट टाइम मैंने कब पहना था वो भी याद नहीं आ रहा मुझे। कहाँ गए पापा, रुको ना मैं आ रही हूँ ना। पापा ये अच्छी बात नहीं है, आप पतंग लेने के लिए जा रहे हैं बाहर तो कम से कम मोबाइल तो घर पे छोड़ देते, मैं उसके अंदर कुछ नया सीखता। पापा मैं चलाऊं? नहीं 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 पापा हम कितने पतंग लेंगे? कितने लेने के? देखो ना आप अभी 3-4 dozen ले लेते हैं, और सबसे बड़े बड़े पतंग लेंगे, ठीक है? आसमान में ना हमारी पतंग सबसे बड़े दिखने चाहिए, ठीक है? तो हमें ना पतंग लाने के लिए पुराने वाले औरंगाबाद आना पड़ता है, और यहाँ पे आने के लिए बहुत टाइम लगता है। कैसे वाले लेने के? और बड़े चाहिए, इससे और बड़े चाहिए। हाँ ऐसे चाहिए। हाँ देखो पकड़ो। हाँ कितने बड़े? हाँ क्या कितने का? 60 रुपए। 60 रुपए का एक? बहुत ही महंगे आने आ रहे। सबसे लगाओ 3 dozen। कितने महंगे हो गए बता। हाँ ये वाला ले, ये देखो ये वाले 3 dozen ले लिया पापा ने। हाँ ठीक है। कितने से लगाया पतंग? 25 रुपए से लगाया, 30 रुपए रेट चालू है। चलो फाइनली ले लिया हमने पतंग, चक्री वगैरह कुछ भी नहीं लेनी थी क्योंकि पुराने साल की थी ना पापा। अरे बहुत वो 10 साल पुरानी चक्री है मेरे पास, बड़ी एकदम। हाँ और मांझा वगैरह सब कुछ है, बस पतंग लेने आए थे हम। कल तो एकदम मजा आएगा पापा, मैं भी उड़ाऊंगी। हाँ आ गई मैं घर पे पापा, पतंग लाना भूल गए पापा, पतंग लेके आओ। लाइट तो चालू रखा करो कभी तो। ये लो क्या है? पनीर फ्राई मोमोस। सलाख मेरे पतंग को जगा दे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी मकर संक्रांति। त्योहारों के दिन है ना, जल्दी उठना चाहिए बच्चे। उठ गया, गुड मॉर्निंग बच्चे। तो अभी हम है ना जल्दी से जाके रेडी हो जाते हैं क्योंकि हमें पतंग तो उड़ाना है। चलो बच्चे। मेरे को अभी क्या दिया ना मोबाइल हो ना, क्योंकि मुझे ना वो एक कौवा प्यासा था वो देखने का है। लेवल कंफ्यूज हूँ कि आज मैं क्या पहनूँ। मेरा हमेशा का ही होता है यार कि मुझे क्या पहनना होता है मुझे पता ही नहीं होता। घर में चलो मैं आपको बताती हूँ, आज घर में ना तिलगुल के लड्डू भी बन रहे हैं। वो बोलते हैं ना तिलगुल घ्या गोड़ गोड़ बोला, चलो दिखाती हूँ मैं आपको। मुझे तिलगुल के लड्डू बहुत पसंद है और पप्पा को भी। पतंग उड़ाने कब जाना है? तुम करो, लेट करो, पूरा दिन वेस्ट कर रहे तुम। इधर आ तुम। पर ये ऐसे इतने ऐसे 3D कवर क्यों लाए ये ऐसे एकदम आंखों में चुभ रहे वो? माँ को कुछ समझता नहीं बाबा। और दूर से सच में चुभ रहे हैं आंखों में, लेकिन ये बात मैं मम्मी को नहीं बोलूंगी। लग रहा क्या है उसके ऊपर कागज बिछा दिए सब ऐसे कलर मार के। तो मुझे ना अभी अपने बाल स्ट्रेट करने, क्योंकि देखो ये बहुत ही ज्यादा टेढ़े मेढ़े से हो गए हैं, तो उसको ना एकदम अच्छे से एकदम ऐसे लेयर वाले स्ट्रेट होते हैं ना वो करेंगे ये मशीन से। ये देखो स्ट्रेटनिंग करने के बाद में ये रहा मेरे बालों का आफ्टर रिजल्ट। पहले देखा था ना कितने गंदे हो गए थे मेरे बाल। चलो अभी मैं ना जल्दी से मेकअप कर लेती हूँ, फिर मम्मी आएगी और बताएगी कि इन सब में से मुझे आज क्या पहनना है। मैं ये सनस्क्रीन लगा लेती हूँ क्योंकि आज हमें ना दिन भर है ना टेरेस पे धूप में रहने वाले हैं, तो सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो मम्मी ने बोला कि मुझे है ना ये ग्रीन वाला ब्लाउज और ये जो पिंक कलर का लहंगा है ना ये पहनना चाहिए, कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा ना, देखो इसकी बॉर्डर भी ग्रीन कलर की है। हाँ कन्नी बांध रहे पतंग को पापा, देखो अभी से तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब उधर हमारे ना पुराने घर पे जाके उनको सीधा पतंग उड़ाना है। देखो ये रहा मेरा पिंक कलर का न्यू लिपस्टिक टैंक, तो अभी मैंने इसको यूज कर रही हूँ, देखते हैं कैसे दिखता है ये। मम्मी देखो ऐसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अब सब भी बताओ कैसे लग रहा है। अभी मैं और मम्मी है ना चूड़ियाँ देख रहे हैं कौन सी वाली मैच करेगी इस पे मेरे आउटफिट पे, तो देखो मम्मी ने ना ये वाला सेट बना के दिया मुझे, देखो कैसी लगी मेरी चूड़ियाँ। हो गई हूँ मैं रेडी, बस मैं अपने बाल बना लूँ, उसके बाद में ना मैं आपको फाइनल मेरा संक्रांत का लुक दिखाती हूँ। तो क्या आप रेडी हो मेरा फाइनल लुक देखने के लिए? सामने तो पीछे बैठ। मम्मी आप पापा चक्री लाने ही भूल गए? हाँ। पतंग कैसे उड़ाएंगे फिर? उनको ही पता है। पापा कैसे ही काम होता है, आने दो पापा को। पीछे चक्री रखी है। फिर कौन सी चक्री लाने गए पापा? कहाँ है चक्री? टिक्की में। और बिना फिर आप कहाँ गए थे? बोले तो ये क्या तरीका है, टिक्की में चक्री रखे हमको चिल्ला रहे। अजीब है पापा का भी। अभी लेट सब, नहीं हो रहा आपको? सब तुम्हारे वजह से हो रहा, इतना लेट कर दिए, पूरा आधा दिन पूरा बोर कर दे रहे तुम। पापा अभी बस 11 ही तो बज रहे हैं ना, और खत्म हो गया आधा दिन। कुछ नहीं खत्म हुआ, अभी से पतंग उड़ाना स्टार्ट होता है ना मम्मी। हाँ चलो आप देखो, आधा एक घंटा वेस्ट कर दिया तुझे। नाक की नथ नहीं रह गई तुम्हारे चक्कर में? कैसे दिख रहा अधूरा सब? आपके चक्कर में मेरे नाक की नथ नहीं रह गए। अभी कभी दो बार बोली तो नहीं है? 10 बार बोलूंगी दिन में से। अभी कितना अधूरा लग रहा मेरा मेकअप। तो हम लोग आ गए हमारे पुराने वाले घर पे, और मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ ना अपने पुराने वाले घर पर। चलो पापा क्या कर रहे, पतंग निकाल रहे, इसमें ले रहे हो पतंग? तेरे दिमाग की भी दाद देना पड़ेंगे। थैंक यू पापा, मतलब इसी में ले रहे हो। एंड हेलो अंकल। अरे बहुत अच्छी कॉमेडी करते अंकल। चलो थैंक यू। थैंक यू। पूरा आधा दिन तुमने वेस्ट कर दिया, अभी क्या पता। पापा इसीलिए बोल रही हूँ, ऐसा हाथ पकड़ने दो मेरे को, बाय। क्या हो करने आ रहा? काटने के लिए आ रहा। किसको? हमको। हमको काटेंगे वो? कितने पतंग काटे अभी तक पापा? कितने पतंग काटे? दो चार पतंग काटे। क्या यार काटे, चल लपेट। पापा हमें जीतना है, हमें जीतना है। पकड़।
अभी है ना हमारे टेरेस पे बहुत ज्यादा धूप हो गई है इसलिए मैं नीचे आ गए। और किस किस को याद है जो अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे आपको याद होगा मैं यहीं पे इसी डोर पे वीडियोस बनाया करती थी तो वो मुझे याद आ गया। तो अभी मैं बता रही थी कि हम है ना दादा दादी से मिलने आए थे तो दादा दादी से मिलते हैं उनका आशीर्वाद वगैरह लेते हैं फिर हम लोग जाएंगे हमारे घर पर और शाम को करेंगे एकदम मस्त मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन। देखो ना दादी ने क्या बनाया है मम्मी के लिए, क्या है तिलगुल की रोटी, मस्त बनाई है आपने तिलगुल वाली भाकरी। वाह क्या बात है, पूरा अच्छा तो नचा कर पाएंगे बाहर का जरूर ख्याल रख तुम्हारा। आई का पैर नहीं क्या भाग पतंगे बेचने मुठ्ठी हो जल कर अति प्रगति कर दादा दादी का आशीर्वाद लेके हम आ गए हमारे न्यू वाले घर। देखो सोनल दीदी आ गए हमारे चिल्लाने के लिए। सोनल दी कैसे चिल्लाएंगे? ऊपर जाके काटे चल लपेट। रेडी पापा? हवा चल रही है, चलो अभी यहाँ पे हम एकदम मस्त पतंग उड़ाएंगे। कितनी मस्त हवा चल रही है। अरे ये क्या है, ये धोबी घाटे के, ये निकालो ये सारे कपड़े। क्या यार देखो ना आज के दिन तो कपड़े नहीं सुखाते, पूरा धोबी घाट बना दिया, सब कपड़े निकालने पड़ेंगे। अरे ला इधर बच्चे उसको ये कर रही है, देख ऐसा नहीं उड़ाने का, उड़ा के दो ना फिर मम्मा पापा भी उड़ा के देंगे मेरे को पता। अरे हो गया यार अच्छा ठीक है ठीक है। अब तो मैं इसको दिखाऊंगी, अब मैं इसकी पतंग काट के रहूंगी, रुक जा तू। ठीक है समरिया। इससे पेज लड़ाई है तो जानता नहीं है। समरिया। अब भैया रुक रुक अभी रुक, मैं तो पतंग काट के रहूंगी तेरी। दीदी ऐसी की तैसी मेरे साथ नहीं लड़ाते। कभी कभी हम लापरवाही कर देते हैं और गलती हो जाती है। पतंग का मांझा मेरे पैरों में और गले में फंस गया था थोड़ा सा। दिल दिया? दिल दे पेज हो रिया? हाँ। दिल दे। अरे वो डी। अरे अटक गया पापा रुको। अरे अटक गया ये। अरे। अरे रुको पापा एक मिनट रुको ना। अटक गया वो। गया पतंग गया।
मैंने कुछ नहीं किया पापा। आप मेरे को ढील लेना नहीं आ रही थी मैं। अरे उसमें आटा क्या क्या आ गया वो अच्छा। वो अभी क्या हो गया ना वो पेज लट गई थी और ना इसमें से ढील ही नहीं निकली इसीलिए वो पतंग ही कट गया। इतना अच्छा पतंग था इतना बड़ा पतंग था क्या कर सकते हैं काट के रहेंगे। रुको जरा देखो ना कितना मस्त सनसेट हो रहा है और अभी शाम हो गई है पतंग वतंग सब नीचे आ गए कोई भी अभी पतंग नहीं उड़ा रहा पूरा आसमान खाली है देखो। और देखो कृष्णा हमको स्पेशली बुलाने के लिए आए कि तुम बहुत लेट कर रहे हो चल बच्चे। सेलिब्रेशन आप सबको भी हैप्पी मकर संक्रांति हैप्पी पोंगल एंड हैप्पी लोहड़ी तेलुगु गया गोड़ गोड़ बोला। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।